अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से। आज मैं आपके साथ दो डिज़ाइन शेयर करूंगी। सबसे पहले ये देख लें, फिर दूसरा ये प्रिंटेड पर है और दूसरा जो है ना वो सादे कपड़े के ऊपर है। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरह से है, जो चीज़ चली हुई होती है वही सब लोग पसंद कर रहे होते हैं। देखें, ये कफ स्लीव्स इसके मैंने बनाए हैं। कफ जो हैं ये बड़े हैं, 6 इंच वाले, यहाँ से इस तरह से। इसको बटन वगैरह नहीं लगाए, वैसे खुले रखे हैं। तो ये कफ लगा के यहाँ पर चुनट्स हैं और फिर ऊपर भी चुनट है, यहाँ पर चुनट और फिर ये इसका गला। गले को यानी कि इस प्रिंट से जो थके में या जिन्हें ना पसंद आ रहा हो तो वो इस तरह थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक पट्टी लगाई है, पट्टी के ऊपर दोबारा मैंने पल्स लगा दिए हैं, ऊपर भी दोबारा पाइपिंग कर दी है। जो गला आ रहा था वो सिंपल था बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर हल्की सी और डिज़ाइनिंग कर दी है। और इसके नीचे जो है ना इसको फ्रॉक स्टाइल में दे दिया है, घेर जितना था वो सारा ने दिया है। और यहाँ पर थोड़ी सी चुनट्स दी हैं, यहाँ पर थोड़ी चुनट्स और ऊपर पट्टी लगाई है। तो नीचे से ये सिर्फ फ्रॉक है इस तरह से। तो नेक्स्ट डिज़ाइन आपको दिखाती हूँ। तो ये नेक्स्ट डिज़ाइन है, रेड कलर के ऊपर था और इसको ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसके साथ किया है, मैचिंग की है इसके साथ। ये इसका ट्राउज़र है। तो यहाँ पर जो है ना वो प्लेट्स दे के पहले नीचे, फिर दोबारा जब बटन्स लगाए हैं ऊपर की तरफ इस तरह लगा के इसे सेट किया है। ये इसके पांचे, दोनों पांचों पर इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ। इस पांचे की डिज़ाइनिंग मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, देख लीजिएगा। ये फ्रॉक है, तो सेंटर में इसको ब्लैक गला लेके लगाया है और साइडों के ऊपर जो है ना ये पट्टियाँ, कपड़े की ही पट्टियाँ बना के लगाई हैं, तो इस तरह से। और यहाँ पर जो है ना इसको प्लेट्स आ रहे हैं, यहाँ पर जहाँ तक फिटिंग है और यहाँ तक इसको कटिंग कर ली थी, नीचे प्लेट्स हैं। और ये वाली जो पट्टी आ रही है, पहले ये वाली पूरी यूँ लगाई, फिर दोबारा ये वाली और फिर इसे अंदर से दोबारा यूँ करके लगाया है यहाँ पर। और इस तरह भी सेम इस तरह की डिज़ाइनिंग है, कपड़े की पट्टियाँ लगी हुई हैं। फिर से आपको बता दूँ, दरमियान में गला है और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है। ये इसका जो है ना इसके बाजू के ऊपर कोई 3 प्लेट्स दी हैं और आगे सिर्फ ब्लैक पट्टी दी है, जो कि इन टच रहे सारे सूट के साथ, ये देखिए। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सादा रखा है, इसलिए कि नीचे जो है ना फिर ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइनिंग है, यहाँ पर प्लेट्स हैं, तो इसलिए इसका काफ़ी खुला घेर है। सेंटर में इसको कोई प्लेट्स वगैरह नहीं है इस तरह से। और इसकी जो बैक साइड है ना वो भी यहाँ पर प्लेट्स हैं, यहाँ पर भी, और बाकी जो है ना वो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो इस कपड़े की चौड़ाई मैंने पूरी रख दी थी जितनी होती है, उसमें से लंबाई निकाल ली। लंबाई निकालने के बाद ऊपर जो है ना इस तरह ही कटिंग की है, जैसे हमारी एक फिटिंग जितनी ही कटिंग आती है, और बाकी एरिया जो इजाफी था वो मैंने इस तरह आने के बाद यहाँ पर कट करके चुनट्स बना के यहाँ पर इकट्ठा कर खड़ाया है। हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।